So, beta, today we are going to continue with this seventh chapter from our general English book. Okay, and previously we had discussed how she compares herself with a ship which is just going in the darkness, deep darkness. ठीक है, तो उसकी लाइफ भी बिल्कुल वैसी ही थी. अब मैं इसी पेज से बेटा कंटिन्यू कर रही हूँ. ओके, सो यही वो सोच रही है. यही तभी शी फील्स अप्रोचिंग फुटस्टेप्स, मतलब अप्रोचिंग मीन्स कमिंग नियर. तो उसके आसपास, उसके पास जो है कुछ कदमों की आवाज आती है. आई स्ट्रेच्ड आउट माई हैंड एज आई सपोज्ड टू माई मदर. जिस तरह से वो अपनी मदर के लिए हैंड स्ट्रेच करती है जब उसको लगता है कि उसकी मदर इज अराउंड, उसके पास आ रही है. ऑब्वियसली शी कांट सी एनी वन, तो वो हाथ स्ट्रेच कर देती है कि वो जो पर्सन आ रहा है दैट पर्सन विल होल्ड हर. सो समवन टुक इट, इट वाज नॉट द मदर. सो समवन टुक इट एंड आई वाज कॉट अप एंड हेल्ड क्लोज इन द आर्म्स ऑफ हर हु हैड कम टू रिवील ऑल थिंग्स टू मी एंड मोर देन ऑल थिंग्स एल्स टू लव मी. सो नाउ दिस वी डोंट नो, शी डिडंट नो बाय दिस टाइम हु दिस पर्सन वॉज. इट वॉज अ वुमन फॉर श्योर हु हेल्ड हर क्लोज इन हर आर्म. एंड वो वही इंसान था जिसने वो कहती है कि सारी चीजों को मुझे समझाया. रिवील मीन बेसिकली यू नो फेमिलियराइज मी विद एवरी थिंग, हर चीज के बारे में सिखाया. द मॉर्निंग आफ्टर माई टीचर केम शी लेड मी इन टू हर रूम एंड गेव मी अ डॉल. तो शी स्टार्टेड विद हर फर्स्ट लेसन. उसके लिए उसने उसको एक गुड़िया थमा दी, एक डॉल दे दी. द लिटिल ब्लाइंड चिल्ड्रन एट द पर्किंस इंस्टीट्यूशन हैड सेंट इट एंड लॉरा ब्रिजमैन हैड ड्रेस्ड इट. तो मिस सुलेवन जहाँ से आई थी पर्किंस इंस्टीट्यूशन से, तो वहाँ के बच्चों ने उसको उसके लिए ये डॉल जो है वो तैयार की थी. ठीक है, बट आई डिड नॉट नो दिस अंटिल आफ्टरवर्ड. लेकिन ये मुझे बाद में पता चला था. उस टाइम पे जब मुझे वो डॉल दी थी मिस सुलेवन ने, आई डिड नो एनीथिंग अबाउट इट. नाउ व्हेन आई प्लेड विद इट अ लिटिल वाइल मिस सुलेवन स्लोली स्पेल्ड इन टू माई हैंड द वर्ड डॉल. अब जैसे ही मैंने खेलना शुरू किया उसके साथ, तो मिस सुलेवन ने मेरे हाथ पे, ठीक है, क्या लिखा, क्या स्पेल किया, डॉल. कैसे स्पेल किया, डी. अब सबसे पहले लेटर डी उसने मेरे हाथ पे लिखा, ठीक है, मतलब फिंगर के साथ उसकी शेप बनाई. देन ओ एंड देन डबल एल. आई वॉज एट वंस इंटरेस्टेड इन दिस फिंगर प्ले एंड ट्राई टू इमिटेट हर. अब मुझे नई चीज लगी तो मैंने भी उसकी नकल उतारना शुरू कर दिया, मैंने भी वैसे ही करना शुरू कर दिया. व्हेन आई फाइनली सक्सीडेड इन मेकिंग द लेटर्स करेक्टली आई वॉज फ्लश्ड विद चाइल्डिश प्लेजर एंड प्राइड. तो आई इमिटेटेड हर एंड जैसे ही मुझे सक्सेस मिली, मतलब मैंने सक्सेसफुली उन लेटर्स को रिपीट कर दिया, मैंने भी उनको स्पेल किया हाथ पे. आई वॉज फ्लश्ड. फ्लश्ड क्या होता है? फ्लश्ड मीन्स यू नो व्हेन यू समटाइम्स आर एम्बेरेस्ड, लेकिन यहाँ पे फ्लश्ड मीन्स रियली एक्साइटेड. तो जब व्हेन यू गेट रेड विद एक्साइटमेंट, तो दैट इज फ्लश्ड. तो आई वॉज फिल्ड विद चाइल्डिश प्लेजर एंड प्राइड. मुझे बड़ी खुशी हुई. रनिंग डाउन स्टेयर्स टू माई मदर आई हेल्ड अप माई हैंड एंड मेड द लेटर्स फॉर डॉल. तो ये बात मैंने अपनी मदर को जाके भी दिखाई, ये चीज स्पेल करके. आई डिड नॉट नो दैट आई वॉज स्पेलिंग अ वर्ड. जाहिर सी बात है, शी इज अ ब्लाइंड गर्ल हु इज ऑल्सो डेफ. और वो कब से ब्लाइंड एंड डेफ है? जब से वो 19 महीने की थी. जाहिर सी बात है, शी हैज नॉट सीन एनी वर्ड्स इन हर लाइफ. ठीक है, ना ही उसने कोई शब्द सुने हैं. तो उसको नहीं पता था कि ये वो एक शब्द है जिसको स्पेल कर रही है, जिसके लेटर्स को लिख रही है वो. और इवन दैट वर्ड्स एग्जिस्टेड. ऑब्वियसली आई हैड नो आइडिया कि शब्दों जैसी भी कोई चीज होती है दुनिया में. आई वॉज सिंपली मेकिंग माई फिंगर्स गो इन मंकी लाइक इमिटेशन. तो मैं क्या कर रही थी, इट वॉज जस्ट लाइक यू नो गेम फॉर मी एंड आई वॉज प्लेइंग. आई वॉज जस्ट हैविंग फन. इन द डेज दैट फॉलोड आई लर्न टू स्पेल इन दिस अनकॉम्प्रिहेंडिंग वे
अ ग्रेट मैनी वर्ड्स. तो इसी तरह से मैंने अनकॉम्प्रिहेंडिंग मीन्स आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट इट, बट मैंने बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो सीख लिए. और उनमें से कौन कौन से वर्ड्स हैं, ऑल दीज वर्ड्स, पिन, हैट, कप, अ फ्यू वर्ड्स लाइक सिट, स्टैंड एंड वॉक, ठीक है, ये सारे वर्ड्स मैंने सीखे. बट माई टीचर हैड बीन विद मी सेवरल वीक्स बिफोर आई अंडरस्टूड दैट एवरी थिंग हैज़ अ नेम. तो इस लाइन का मतलब, मेरी टीचर को काफ़ी हफ्ते लग गए, सेवरल वीक्स लग गए मुझे ये समझाने में कि हर एक चीज़ का नाम होता है, एवरी थिंग अराउंड अस हैज़ अ नेम. One day, while I was playing with my new doll, Miss Sullivan. Okay,